वकीलों के चैंबर घोटाले ने फड़ी तूल, किसी बड़े कपड़े की आ रही है बू। एडवोकेट शक्ति सिंह ने घोटाले की खोली पोल। तहानू दुखाने हैं की है पूरा मामला, सुनो वकीलों की जवानी। मौके से प्रधान आए हैं या ऑफिस वीरर है, उन्होंने भी अपनी ड्यूटी प्रॉपर नहीं की। जे उस वेले भी उधर ध्यान रखते तो रोके जा सकता सी। इदा लगता भी ये सारी सारी मिली भुगत है सारे लोगों को, कला ठेकेदार अपनी मर्जी ना वकीलों के खिलाफ ये सब स्टैंडर्ड बिल्डिंग कि बना सकता। जब तक जिहड़े बंदे पर ऑफिस वीरर से एग्जैक्टिव सी, प्रधान से, जिहड़ा भी सीगा इस वेले, तो वो एवरीबॉडी इज रिस्पोंसिबल। सर, आई एम शक्ति सिंह सैनी, एडवोकेट। आई एम फॉर्मर डिप्टी एडवोकेट ऑफ पंजाब। सर, इतने चैंबर का की मामला है सारा जी? ये चैंबर के बारे सारा सिस्टम यह है कि जो सा कचहरी ओल्ड सी जिते असं पहला वर्क करते तो प्लैन होया भी इतों शिफ्ट की जाए, कोई शहर के आले दुआले जगह देखने तो बाद अल्टीमेटली शॉर्ट गल कि यह जगह सिलेक्ट हुई। ये जिते पोर्शन से हम इंटरव्यू हो रही है, ये लॉयर चैंबर है। यदि चढ़ती साइड से जुडिशियल कंपलैक्स है। जुडिशियल कंपलैक्स का ठेकेदार इज ए सैपरेट जिन्होंने कंस्ट्रक्शन लिए दिता गया। ये जरा उ प्रधान से उस वेले मौके दे उन्होंने मार्च बुला के टेंडर यदा किया, तो टेंडर नवांशहर का जोड़ा बंदा जरा जे खिलाफ आ रहे उन्हें टेंडर अक्सैप्ट करके उन्हें बुलाया। हूँ जोड़ा उदों का प्रेजीडेंट सगा उन्होंने 40,000 रुपए तो एक इंजीनियर रखे है उपर सुपरवाइज करने वास्ते कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ठीक हो रही कि नहीं हो रही। गाए बगाए मैं इतने सैकलिंग करना आता सी, मैं दस रहा इटा जड़ियाँ लग रही बहुत पुअर लग रहा, मटीरियल भी पुअर लग रहा, पर जेड़े भी कंसर्न मौके से प्रधान आए हैं या ऑफिस वीरर है उन्होंने भी अपनी ड्यूटी प्रॉपर नहीं की। जे उस वेले भी उधर ध्यान रखते तो रोके जा सकता सी। इदा लगता भी ये सारी सारी मिली भुगत है सारे लोगों की, कला ठेकेदार अपनी मर्जी ना वकीलों के खिलाफ ये सब स्टैंडर्ड बिल्डिंग कि बना सकता। जब तक जिहड़े बंदे पर ऑफिस वीरर से एग्जैक्टिव सी, प्रधान से, जिहड़ा भी सीगा इस वेले, तो वो एवरीबॉडी इज रिस्पोंसिबल, क्योंकि एग्रीमेंट जिहड़ा होया डीसी साहब ने एग्रीमेंट सीगा कि इहनूं पीडब्ल्यूडी की देखरेख च बनेगा। वकीलों ने कहा नहीं जी तुसीं रहन दो, जिहड़ा भी प्रधान सीगे असीं आप बनावांगे, ते चक के ठेका दे दिता। ठेके दे दरम्यान एक बंदा 40,000 उपर रख्या जेई या SDO रिटायर्ड, ये तो जापदा भी उहने भी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। हुण जदों इहदा रौला पिया भी ये सब स्टैंडर्ड हैगा तो जाँच कराई गई मोहाली तो इंडिपेंडेंट एजेंसी, तो वो इंडिपेंडेंट एजेंसी ने दस्या गया तुहाडे सामने आ देखो कौलियां दे विच इट्टा आ सरिया जिहड़ा जे टाटा दा लगना सी सब स्टैंडर्ड लगा, सीमेंट रेता की रेशो प्रॉपर नहीं है, टाई जिहड़ी थले पैनी चाहिए बीम दे प्रॉपर नहीं है, फाउंडेशन प्रॉपर नहीं है। आहे सामने दिखा दिना देखो तेड़ आई है, बिल्कुल थले लैके उपर तक तेड़ होना ही आ गई, अजे 4 दिन हो। और एक एक चैंबर सानू 4,000,000 रुपए नू एक वकील नू दिता गया, 2 वकीलों नू 1,00,000 का 4,00,000 का चैंबर, और ये सानू लीज ते आ। सो बिकॉज ऑफ दिस बिल्डिंग हजे 6 महीने नहीं होए इनॉगरेशन होने दे, ते बिल्डिंग दे विच आ पाया गया, तो हुण सवाल यह है कि की एक्शन होवे। एक्शन क्रिमिनल और सिविल दोनों ही हो सकते हैं। हुण अज पेपर च मैं पढ़िया कि धीर साहब जिहड़े हुण प्रेजीडेंट है इन्होंने उत्थे कंप्लेंट फाइल करती, जज साहब ने ऑर्डर करता कि परचा दर्ज करो। हुण सवाल है परचा 156(3)(CRP) थले दर्ज हो गया, क्वेश्चन आ कि जिस दर्जा हो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए है, जो उस एविडेंस प्रॉपर कलैक्ट ही ना हुई तो वह FIR का परचा दर्ज हो, जो चलान पेश होना फेल हो जाना। तुम देखिए गवर्नमेंट के केस वाले सारे ही फेल होंगे, क्योंकि जो प्रोसीक्यूशन बाढ़ जी केस नकार रही है। जोड़े IO आते वो पहले प्रॉपर नहीं है इंटैलीजेंट, उन्होंने पता ही नहीं की करना। लॉयर्स चैंबर का मामला, लॉयर चैंबर का
ठेका दिता गया 1190 रुपये पर स्केयर फीट के हिसाब का, जेदे 231 चैंबर बने। 10 अप्रैल नूं कोर्ट्स इधर शिफ्ट हो गई। उस तो बाद जिस वेले एडवोकेट्स नूं अलॉटमेंट हुई चैंबर से, तो एडवोकेट्स ने अपनी फिटिंग्स शुरू कीतियां रैक्स वगैरह दियां, तो उस टाइम एक गल सामने आई कि जदों ड्रिल करते हैं दीवार दे विच ते सीमेंट प्लस्तर रेता जड़ी है वो बहुत वीक रेशो दे विच शो हो रही, प्लस्तर गिरदा पिया। उस तो बाद जस्ट जदों उस तो बाद बारिशां शुरू हुई हैं, ते बारिशां दे विच लेंटर दे विच लीकेज शो हो गया। उस चैंबर दे विच टॉप फ्लोर तो लेंटर विच लीकेज हुई पई। ये सामने आने तो बाद DBA दे एग्जैक्टिव मैंबरस वालों, जिदे विच प्रेजिडेंट, जनरल सैकटरी ते वाइस प्रेजिडेंट, इन्हां वालों एक एप्लीकेशन मैम डिप्टी कमिश्नर जी नूं मूव कीती गई कि जिहड़ी ए इस जगह ते चैंबरां दे विच जो मटीरियल लगाया पुअर क्वालिटी दा, ते इनू चैक कीता जावे। ते उस तो बाद डिप्टी कमिश्नर मैम ने उसकी एक कंप्लेंट लॉन्च कीती 1/6/2023, ते वो एप्लीकेशन PWD दे विंग नू मार कीती गई स्ट्रक्चर चैक कराते। ते जिस वेले वो स्ट्रक्चर चैक करने लई PWD को गई, ते PWD ने रिप्लाई उस ऑफिस नू कर दिता कि साडे को मीनस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पे जिहदे नाल असीं बिल्डिंग दा मटीरियल चैक कर सकीए, क्वालिटी चैक कर सकीए। उस तो बाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन दे एग्जीक्यूटिव ने इस बिल्डिंग नू अपने तौर पर एक ऑथराइज्ड प्राइवेट कंपनी जिहड़ी ओमेगा टेस्ट कंपनी है पंचकूला दी, उस तो टेस्ट रिपोर्ट ली, जिन्होंने 30% बिल्डिंग कवर करके सैंपल लाए, ते उन्हां सैंपल्स विच ये रिजल्ट आया कि जिहड़ी सीमेंट ते रेता दी रेशो है वो 1:27 तक सी, ते 1:19 मिनिमम सी, 1:27 मैक्सिमम सी, जिहड़ी बहुत पुअर रेशो है प्लस्तर दी। उस तो बाद ये भी नॉलेज आया DBA दे कि जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट सी, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक स्टील जिहड़ा लगना सी, सरिया लगना सी, वो टाटा का लगना सी, बट जिस वेले उपर कॉलम तोड़े गए नवी कंस्ट्रक्शन लई कॉलम तोड़े गए, तो उत्थे ये शो होया कि उपर टाटा की जगह प्रबल का सरिया लग्या, जिहदी कॉस्ट और क्वालिटी बहुत फर्क है। टाटा बहुत स्ट्रोंग पोजिशन का सरिया है, तो प्रबल बहुत वीक है। ये सारा कुछ सामने आने तो बाद जदों ओमेगा कंपनी ने रिपोर्ट दिती, उस दे विच ये भी आया कि बीम्स जड़े आ वीक ने, तो एक जगह बीम दे विचों इट भी पाई गई। तो उस तो बाद ओवरऑल ऑब्जरवेशन ते कैमिकल टेस्ट वगैरह जिहड़े ओमेगा टेस्ट कंपनी ने करने सी, उन्होंने करन तो बाद जो रिपोर्ट आई उहदे विच इह आया कि बिल्डिंग की क्वालिटी जिहड़ी पुअर आ, मटीरियल पुअर लगा आ। उस तो बाद इस मामले नूं लैके, उस रिपोर्ट नूं लैके SSP साहब दे एक एप्लीकेशन मूव कीती गई, जिहदे नाल रिपोर्ट नाल टेंडर कीती गई, ते ओ एप्लीकेशन 9/11 जिस वेले फाइल की गई, उस तो बाद वो मार्क कर दी गई
एसपी ऑपरेशन जी जेदी इंक्वायरी पेंडिंग थी ते इन द मीन टाइम बार दे रिप्रेजेंटेटिव वालों कोर्ट दे विच एक एप्लीकेशन लाई गई 156 थले 156 सीआरपीसी थले कि जेड़ा कॉन्ट्रैक्टर है और जो सुपरवाइजर रखा गया सी बार वालों उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाए तो उन्होंने खिलाफ बनती कार्रवाई की जाए तो जे कोई होर इन्वेस्टिगेशन आता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए तो इस इन्वेस्टिगेशन की मोनीटरिंग की जाए जिस दे विच कल 23 तरीक न ACGM श्री रुपिंदर जी ने SHO PS सदर न डायरेक्शन इशू की कि रजिस्टर का केस एंड इन्वेस्टिगेट द मैटर ये हुण तक की जो कार्रवाई है वो ये है क्योंकि बिल्डिंग पुअर है मटीरियल वह पुअर है ओरल ऑब्जरवेशन नहीं आता तो जी है डॉक्यूमेंट्री एक्सपर्ट्स ने रिपोर्ट दी भी ये शो आता सर ये जो टेंडर से टेंडर किन्ने का सगा तो ये टाइम पाउंड किन्ना किया गया से भी कदों तो कदों तक ये जी बिल्डिंग तैयार सर टेंडर जो सी उसके मुताबक जो सी 8,95,00,000 के करीब पैसा बनता से जोड़ा 231 चैंपटा का टेंडर 2021 दिता गया से 2021 दिता वकीलों के चैंबर घोटाले ने फड़ी तूल किसी बड़े कपड़े की आ रही है बू एडवोकेट शक्ति सिंह ने घोटाले की खोली पोल तहानू दिखाने हैं की है पूरा मामला सुनो वकीलों की जवानी